अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक अरेबिक इंस्पायर्ड लुक। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं अरेबिक काइंड ऑफ लुक क्रिएट कर सकूं आप लोगों के लिए। और बहुत सारे ईद लुक्स पे वीडियोस अभी आएंगी, बट मैंने सोचा ये लुक क्रिएट कर लूँ। आप लोग ईद पे भी इस तरह का लुक्स ट्राई कर सकते हैं। सो अगर आप लोगों को ये मेरा लुक अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और बहुत ही ज़्यादा इजी स्टेप के साथ मैंने सिखाया है, और साथ ही जो लोग मुझसे कह रहे थे कि मॉर्फी की पैलेट से लुक्स क्रिएट करें, तो उन लोगों के लिए हाजिर है वीडियो। तो उसी मॉर्फी की पैलेट से मैंने लुक क्रिएट किया है, टोटल सारे प्रोडक्ट्स वही यूज़ किए हैं। सो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, थैंक यू। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं मॉर्फी की मिनी पैलेट यूज़ कर रही हूँ। जिन लोगों को इसके स्वैचेस देखना है, रिव्यू देखना है, वो मेरी प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मेंशन कर दूंगी ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। साथ ही मैं इनका फर्स्ट शेड जो है मैं यूज़ कर रही हूँ, ये बड़ा प्यारा सा लाइट ब्राउन काइंड ऑफ शेड है। सो ये पूरी मैं क्रीज पे अपने अप्लाई करूँगी। और जो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कलरफुल लुक, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। और जो लोग नहीं पसंद करते हैं वो भी ज़रूर ट्राई करें, बिकॉज जो लोग कलरफुल लुक नहीं करते उन पे कलरफुल लुक बहुत अच्छा लगता है। सो और साथ ही मैं, आप देख सकते हैं कि मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। मैं इस वक्त अबव क्रीज के ऊपर ये शेड अप्लाई कर रही हूँ, और आप लोग देख सकते हैं ये नीचे की तरफ नहीं ला रही, मैं अबव ही जो मेरे क्रीज है उसी पर मैं पूरा फोकस किया हुआ है। और इसको अच्छे से हम ब्लेंड करेंगे, बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग होनी चाहिए और ऐसा लगे कि शेड के अंदर से शेड निकल रहा है दूसरा। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं आईब्रोज़ ऑलरेडी फिल करके आई हूँ, आईब्रोज़ मेरी फिलअप हैं, और मैंने आई बेस भी ऑलरेडी बना ली थी। सो आई बेस के लिए मैंने कंसीलर यूज़ किया रिवाज का, जैसे कि मैं बहुत सारी वीडियोज़ में यूज़ कर चुकी हूँ। और आईब्रोज़ के लिए आप लोग मेरी वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं किस तरीके से आईब्रो फिल किया जाता है। आप नॉर्मल शेड भी ले सकते हैं, कोई भी ब्लैक ब्राउन शेड आप अप्लाई कर सकते हैं, जो आपके नेचुरल हेयर्स हैं उसके मुताबिक अपने शेड्स अपने आईब्रोज़ पर अप्लाई करें। सो अगर आप लोगों के पास पोमेड वगैरह है तो आप लोग वो भी यूज़ कर लें, वो भी बेस्ट रहते हैं। और आप लोग जो देख रहे हैं लेंसेज मैंने वेयर किए हुए हैं, आरियाज आइलैंड के लेंसेज हैं ये, इसका शेड है डायमंड ग्रे, और मैं इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दूंगी। और बिलीव मी गाइस, इट्स अ सुपर सुपर लाइक कंफर्टेबल लेंसेज। और मैंने भी इस वक्त वीडियो के दौरान लेंसेज अप्लाई किए थे जो कि बिल्कुल न्यू थे, और मैंने पैक ही ओपन किए थे, और उसकी स्टोरी मैं आगे सुनाती हूँ। सेकेंड शेड हम लेंगे ब्राउन कलर का, और इस वक्त मेरे ब्रश का हाल चेक करें, बेचारे के हेयर्स निकल रहे हैं। सो ये मैं थोड़ा लूँगी डार्क ब्राउन शेड, और वो मैं इसी पैलेट में से ले रही हूँ, और मैं यूज़ करूँगी क्रीज पर। ये हमारी एक्चुअली में क्रीज होती है, वो अबव क्रीज थी, ये हमारी क्रीज है, इसको हम डीप क्रीज भी कह सकते हैं। और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा डार्कर शेड अप्लाई किया है, लाइक चॉकलेट ब्राउन काइंड ऑफ, और इसको मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी, और अच्छे से ब्लेंड करते जाना है। और साथ ही साथ आप लोग देख सकते हैं अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। मैं अपनी स्टोरी कंटिन्यू करती हूँ। मैंने लेंस वेयर किए थे सॉफ्ट के, जो कि मोस्टली पाकिस्तान में मिल जाते हैं, और वो लेंस वेयर करने के बाद वो मैंने न्यू ही ओपन किए, और उसके बाद मेरी आईज़ में इतनी कोई इचिंग हो रही थी, इतनी इचिंग हो रही थी, लाइक ऐसा लग रहा था मेरे आईज़ के अंदर लाइक किसी ने लाइक आई कॉन्ट एक्सप्लेन, लाइक जैसे कि किसी ने कट लगा दिया हो। सो मैंने उसी वक्त अपने लेंसेज रिमूव किए हैं, और लाइक सांस लिया सुकून का। सो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगी, प्लीज़ ये वन डे वेयर वाले लेंसेज बिल्कुल वेयर ना करें। और मुझे नहीं पता था बट वो रखे हुए थे, और उनकी एक्सपायरी चेक की थी, वो भी 24 है, सो इट्स मीन एक्सपायर तो थे ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद मेरी आईज़ का जो हाल हुआ था मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। उसके बाद फाइनली मैंने ये आरियाज के लिए हैं, और इसको भी मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट एक साल तो हो चुका है, बट ये लेंसेज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेस्ट हैं। सो अगर आप लोग भी आरियाज के लेंसेज बाय करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन करूँगी, और आप लोग इंस्टाग्राम पर भी आरियाज आइलैंड टाइप कर सकते हैं, और वहाँ से आप अपने लेंसेज बाय कर सकते हैं। और साथ ही साथ अभी मैं आगे का स्टेप करते हैं, जो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है कट क्रीज का। कट क्रीज के लिए मैं अगेन यूज़ कर रही हूँ बेल्दी क्लेम का ये कट ब्रश,
इट्स अ कट क्रीज ब्रश, बहुत ही ज़्यादा फ्लैट सा है, चिपटार सा ब्रश है और इससे मेरी कट क्रीज बड़ी मज़े की हो जाती है, बाकी दूसरे ब्रशेज हैं उनसे नहीं हो पाती, आई डोंट नो वाई, बट ये मेरे लिए बेस्ट है। आप लोग भी अगर चाहें तो वेल्डिग्रीम के प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं। सो इस तरीके से मैं कट क्रीज करूँगी, आप लोग देखते जाइए। सो मैं ले रही हूँ कंसीलर, रिवाज का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। सो आप कोई भी कंसीलर यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज कट क्रीज करना है आप बिल्कुल से लाइक जो भी आपके पास अवेलेबल है आप आराम से अपना यूज़ कर लें। और मैं इस तरीके से लगा रही हूँ और उसके बाद मैं डायरेक्ट ऊपर की तरफ देखूँगी। ये मेरा तरीका है कट क्रीज करने का, बड़ा बेस्ट है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा ऐसे। और उसके बाद हमारा पूरी गाइडलाइन हमें मिल जाएगी, उस गाइडलाइन के थ्रू आराम से अपनी कट क्रीज करें, क्रीज को कट करें। मैं ब्रश की मदद से करूँगी और ब्रश की मदद से ही किया जाता है। तो इस तरह छोटे छोटे स्ट्रोक्स लेकर मैं पूरी अपनी जो आईलेट है उस पर अप्लाई कर दूंगी। इस वक्त मैं पूरी फुल कट क्रीज कर रही हूँ ताकि आप लोगों को इजी हो, बिकॉज पहले वाली जो लुक मैंने क्रिएट की थी वो सब ये कह रहे थे आपने थोड़ा लाइक न्यू टाइप का कट क्रीज किया है, ये हमें समझ नहीं आ रहा। सो अगर आप लोग कट क्रीज करना चाहते हैं तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, तो प्रैक्टिस के बगैर कुछ नहीं होने वाला। सो आप लोग बहुत सारी प्रैक्टिस करें तो आपको खुद ही कट क्रीज में मुझसे भी ज़्यादा प्रो हो जाएंगे। तो इस तरीके से रफली कर लें पहले, उसके बाद बिल्कुल से इसको इक्वल कर लें। मैंने फुल लाइक मून की तरह कर लिया है कट, ताकि ईजी हो आप लोगों के लिए भी, आप लोग आराम से कर सकें। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू कलर का शेड मॉर्फी का और ये अपनी पूरी आईलेट पे अप्लाई कर लूँगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इनका ब्लू कलर का शेड है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है और इसका बिल्कुल भी फॉल आउट नहीं था। मतलब मोस्टली इस तरह के शेड्स होते हैं वो इंतहा के फॉल आउट होते हैं, वो इतने फॉल आउट होते हैं कि आपकी पूरी जो आईज़ हैं वो सारी की सारी मैसअप हो जाता है, आपका लुक ख़राब हो जाता है। तो ये इनके शेड्स बहुत अच्छे पिगमेंटेड हैं, जहाँ अप्लाई कर रहे हो वहीं अप्लाई हो रहा है, एक्स्ट्रा इधर उधर नहीं घूम रहा। सो इसकी बेस्ट पार्ट मुझे ये लगी इस पैलेट की। तो अगर आप लोग भी अच्छी वाली पैलेट बाय करना चाहते हैं, अफोर्डेबल तो नहीं कहूँगी, अच्छी वाली पैलेट बाय करना चाहते हैं, अगर एक बार इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूर मॉर्फी की पैलेट ट्राई कीजिए। और इस तरीके से मैंने अपनी पूरी आईलेट पे प्रॉपरली लगा देना है, भर भर के लगाएं जितना लगा सकते हैं। तो मैंने एक आईज पे अपना लुक क्रिएट किया हुआ है, सो इस तरह का लुक आप लोगों को मिलेगा। और उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी, ये बहुत सादा सा लग रहा है, इसके साथ ही ब्लू कलर के साथ एक शेड है जो कि बड़ा प्यारा सा शिमरी काइंड ऑफ शेड है, वो मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगी। मॉर्फी का ये शेड भी बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, अप्लाई करने बड़ा मज़ा आ रहा था और बड़ा मज़े से शेड्स अप्लाई हो रहे थे। और इस तरीके से पूरी आईलेट पे अप्लाई करें अगर चाहें तो, जस्ट आप अपने जो आपकी मिडल ऑफ लिट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मैंने मुझे लगा कि पूरी लिट पे ही अप्लाई कर लूँ ताकि कलर थोड़ा सा पॉपअप करें। और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि मैं यूज़ करूँगी लाइनर, जो कि अरेबिक लुक में लाइनर्स वो बहुत मज़े का अप्लाई करते हैं, बड़े लंबे लंबे लाइनर्स लगाते हैं, तो मैं भी कोशिश करूँगी उस तरीके का लाइनर लगाना। सो मैं यूज़ कर रही हूँ एल्फ का लाइनर, क्योंकि ये बड़ा पॉइंटेड लाइनर है, मुझे बड़ा पसंद है, अफोर्डेबल भी है और बिगनर्स के लिए भी बहुत अच्छा है, प्रोफेशनल के लिए तो वो तो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आप लोग बिगनर्स हैं तो आप लोग ज़रूर ये लाइनर ट्राई करें, बहुत अच्छा लाइनर है ये। तो इस तरीके से मैं थोड़े थोड़े स्ट्रोक लेकर लाइनर के अप्लाई करूंगी। सो इस तरीके से स्ट्रेट में लाइनर ले जाऊंगी मैं, बिल्कुल भी लाइक अपनी आई से कनेक्टेड करके लाइट लाइट से, और यहाँ साइड से एक छोटा सा स्ट्रोक निकालेंगे हम लाइक विंग के लिए। मोस्टली अरेबिक लुक में बहुत बड़े बड़े विंग्स बनाए जाते हैं, बट मैंने इतना बड़ा तो नहीं विंग किया, बट लाइट सा विंग कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा वो उसके साथ थोड़ा टच हो जाए, बिकॉज मेरी आईज़ ऑलरेडी बहुत बड़ी सी हैं, सो इसलिए बहुत ज़्यादा विंग मुझे पसंद नहीं है पर्सनली। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से मैं लाइनर अप्लाई कर रही हूँ छोटे छोटे स्ट्रोक लेकर। बहुत सारी लड़कियाँ मुझे कह रही थी आप अपनी वीडियो को स्पीड मत किया करें, सो डियर आप लोगों के लिए मैंने अपनी वीडियो को स्लो कर दिया है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। मैं आप लोगों के लिए यहाँ इसलिए हूँ ताकि आप लोगों को मैं कुछ ना कुछ सिखा सकूँ।
सो अगर ऐसे किस तरह किसी तरीके के भी ऐसे क्वेश्चंस हो तो आप लोग मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं. और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस, मेरा थोड़ा भी वर्क अच्छा लगता है, लाइक 1% भी, तो आप लोग प्लीज़ शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ, और लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को. आप लोगों के लाइक और कमेंट करने से जितनी खुशी हमें मिलती है, और हमें नेक्स्ट हमें वीडियो बनाने में, नेक्स्ट हमें काम करने में जितना मज़ा आता है, उस चीज़ का अंदाज़ा आप लोग लगा भी नहीं सकते. और आप लोगों के इतने प्यार का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग वीडियोस को वॉच करते हैं और वीडियोस पे कमेंट करते हैं. थैंक यू सो मच. सो मेरा जो लाइनर है ऑलमोस्ट डन है, अब मैं इसे अच्छे से फिल कर लूँगी. लोअर लैश लाइन पे मैं ब्राउन कलर का शेड अप्लाई करूँगी, और अगर आप वाइट पेंसिल चाहें तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं. सो अगर आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़रूर लाइक एंड कमेंट कीजिएगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अल्लाह हाफिज़.